आज आप आशा वर्कर बन के आए हैं, तो यह वोट होगा उस दिन कुशवाहा बन जाइएगा, यादव बन जाइएगा। सन 2020 की बात है, मार्च का महीना और देश में कोरोना महामारी का खौफ, फलस्वरूप पूरे देश में लॉकडाउन। ऐसे में बिहार भी लॉकडाउन से अछूता नहीं था। स्वास्थ्य महकमे की हालत बिगड़ती देख सूबे के मुखिया नीतीश बाबू अपने घर में दुबके हुए थे। कोरोना महामारी की भयावह स्थिति में बिहार की आशा कार्यकर्ता ही थी जिन्होंने हिम्मत दिखाकर समाज के लिए काम किया, लेकिन उनकी मेहनताना पर भी लाले पड़ गए। पिछले दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का धरना चल रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि ठीक ऐसी ही हालत राज्य के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, रसोइयां और नियोजित शिक्षकों का है। अपनी मांगों को लेकर लाठी खाते लोग बेबस और लाचार हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के विनाश पुरुष नीतीश चाचा को इनके साथ सिर्फ राजनीति करने को पड़ी है। नीतीश कुमार को आईना दिखाती जरा उन आशा कार्यकर्ताओं को सुन लीजिए। पूरा भारत में, पूरे विश्व में जब प्रधान मुख्यमंत्री अपने खजाना से आशा को मानदेय दे रहा है, नीतीश कुमार कहां सोया हुआ है? उसको बिहार के लिए कोई ममता है कि नहीं? अगर नहीं ममता है तो आप प्रधान राशि बंद करें और आशा को कुर्सी से हटाएं और अपना जो चाहे वो करें, नहीं तो कुर्सी से हटे। आपका तैयारी में वोट बैंक का सिर्फ एक हिस्सा मात्र बनकर रह गई आशा कार्यकर्ताओं से बात करते प्रशांत किशोर को सुनिए। इस बात को समझिए, आप बबूल बोकर आम नहीं खा सकते। बिहार में पर्चा देने का आदत लग गया, जो दिखा उसी को पर्चा दे दिए, हमारा काम कर दीजिएगा। फिर खुद को भी अभी पर्चा दे रहा है। अरे भाई, जो सत्ता में है उसको ना पकड़ना चाहिए आपको। आपका यहाँ से विधायक जो मंत्री है, घेरिए। आपके एमपी साहब केंद्र में मंत्री हैं, उनके यहाँ जाइए। हम तो बात आपकी सुन ही रहे हैं। कल भी लाठी चार्ज किया, वहाँ जाने तो लाठी से मारते हैं, तो थोड़ी देर ठीक है। मान लीजिए एक बार लाठी मारेगा, लेकिन वोट तो आप ही के हाथ में है।